हेलो दोस्तों, मैं रविकांत मुंगई वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आपसे मिल रहा हूँ। पहले वर्कआउट मैंने पूरा निपटा लिया था, उसके बाद आपसे मिल रहा हूँ। आपके अपने चैनल यंग वाइल्ड फ्री में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज का वर्कआउट हमारा वही जो हमारी पिछली थीम थी बैंड, ठीक है ना, बैंड के ऊपर, रेसिस्टेंट बैंड या इलास्टिक बैंड जो आप बोलना चाहो, रेसिस्टेंस या इलास्टिक बैंड जो भी, इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो आज मैंने इनके ऊपर लेग्स का वर्कआउट किया, कंप्लीट लेग्स वर्कआउट। ओवरऑल मसल आपकी हिट हुईट होंगी लगभग, उसमें 10 से 12 एक्सरसाइजें मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मैंने एडिट नहीं किया वीडियो, इसलिए अभी पहले बता रहा हूँ। तो उसके बीच में कोई आवाज़ आपको आएगी नहीं मेरे वर्कआउट के बीच में, ठीक है। एक वॉइस ओवर के माध्यम से मैं आपको पोजिशन वगैरह वर्कआउट समझा दूँगा ऊपर से, ठीक। तो क्योंकि बहुत दूर से आवाज़ आती भी नहीं है फ़ोन पे, इसलिए मैंने फटाफट पहले एक्सरसाइज ख़त्म कर दी, इसके बाद मैंने अब वीडियो एडिट करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइजों में, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं, एकदम होम पर्पज, आपका ट्रैवल पर्पज, आप कहीं भी जाओ, एनीवेयर, कहीं भी, तो आप हर जगह इनको अपने साथ लेके जा सकते हो, कहीं भी अपना वर्कआउट आप कर सकते हो। नो एक्सक्यूजेस है हमारी सीरीज, जहाँ पर कोई एक्सक्यूज की कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब हर कंडीशन में वर्कआउट हो सकता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप जुड़े हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है। और इसके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए, किस बेस के ऊपर चाहिए, कौन से वर्कआउट में आपको अधिक रुचि है, आप कौन सी उम्र के हैं, आपको क्या चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिए। और वीडियो पूरा देखने की आप कोशिश कीजिएगा, हमेशा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आप वीडियो देखिएगा पूरा और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को। चलिए अब आप वर्कआउट देखिए पूरा। हमारी पहली एक्सरसाइज है बैंड स्क्वाट्स। ये आपके थाई के आगे के हिस्से, क्वाड्रिसेप मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है। अब है दूसरी एक्सरसाइज बैंड ओवरहेड स्क्वाट्स। ये आपकी क्वाड मसल के साथ साथ आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ पर भी फोकस करती है। इसमें आपके दोनों हाथ आपके सिर के पीछे होने चाहिए, आपके हाथ और पांव पूरी एक सीध में आने चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज है सोमो स्क्वाट्स। इनर थाई और क्वाड्रिसेप मसल की अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है। इसमें आपके दोनों पांव के बीच में 90 का एंगल बनना चाहिए बैठते समय।
अब है चौथी एक्सरसाइज बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये सिंगल लेग की एक्सरसाइज है, इसमें आपका पूरा लोड एक पाँव में आ जाएगा। ये सिमेट्री, स्ट्रेंथ और बैलेंस की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अब है हमारी पांचवी एक्सरसाइज सिंगल लेग आरडीएल रोमानियन डेडलिफ्ट। ये भी हमारी बैलेंस, स्ट्रेंथ और सिमेट्री के लिए एक्सरसाइज हो जाती है। अब है छठवीं एक्सरसाइज सिंगल लेग स्क्वाट्स। इसमें भी आपका पूरा लोड एक पाँव में आ चुका है। ये भी क्वाड मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है। आपका बैलेंस भी सुधारेगी और सिमेट्री भी अच्छी होगी। अब गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपके हिप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और फ्लोर के पैरेलल तक आपको अपने सीने को ले जाना है और पांव आपके स्ट्रेट होने चाहिए। अब हमारी आठवीं एक्सरसाइज है स्टिप लेग डेडलिफ्ट। इसमें भी आपके पांव स्ट्रेट रहेंगे। ये भी आपके हैम्स में, हिप्स में और काफ में, लोअर बैक में भी बहुत अच्छा काम करेगी। अब हमारी लंजेस, ये नौवीं एक्सरसाइज है
इसमें आपने एक पांव आगे बढ़ाना है और आपके दोनों पांव में 90 बनना चाहिए, आगे वाले पांव में भी पीछे वाले पांव में भी। आपकी बॉडी एक लाइन पे होगी और आगे वाले पांव से आपने फोर्स देके ऊपर उठना है, ठीक है। ये आपके हैम्स, इनर थाई, हिप्स, काफ हर मसल पे अच्छा काम करती है। अब हमारी 10वीं एक्सरसाइज ग्लूट किक बैक। इसमें आपने टेबल टॉप पोजीशन में आना है, दोनों हाथों से बैंड को दबा के एक पांव से आपने बैंड को पीछे की तरफ धकेलना है। यह आपके हिप्स मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है जो आइसोलेशन के साथ आपके पूरे हिप्स को पूरा टारगेट करती है। अब है 11वीं एक्सरसाइज लाइंग लेग कल। लेइंग लेग कल में आपने अपने सीने के बल लेट के अपने बैंड को किसी एक स्ट्रॉन्ग सी जगह पे आपने बांध देना है और एक सिरे को पाँव में फंसा के आपने पीछे की तरफ से खींचना है। यह आपके हैमस्ट्रिंग मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइजों में से एक है। अब है हमारी 12वीं एक्सरसाइज स्क्वाट वॉक, ठीक। ये है हमारी ओवरऑल थाई की स्ट्रेंथ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपने बैंड को दोनों पाँव में फंसा के और दोनों पाँव से कस देना है एक दूसरे की तरफ खींच के, और तब आपने छोटे छोटे स्टेप करके 90 डिग्री में बैठकर आपने साइड टू साइड चलना है। अब हमारी 13वीं एक्सरसाइज है
बैंड काफ रेस, इसमें आपने बैंड लेने हैं। अगर आप सिंगल बैंड से भी काफ करना चाहें सिंगल से भी करिए, स्ट्रेंथ बढ़ानी है कोई भी एक्सरसाइज में तो आप दो बैंड का इस्तेमाल कर लीजिए। क्रॉस करके उन्हें अपने पाँव में फंसा के आपने पंजों के बल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ये आपकी काफ मसल की एक्सरसाइजों में से एक है। हमारा वर्कआउट पूरा हो चुका है। कोई भी इस वर्कआउट को लेके आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।